है किसी के पास। यहाँ अगर मरीज जाएगा वैक्सीन लेने के लिए तो कहाँ जाएगा? पीएचसी में जाएगा, यहाँ अनुमंडल अस्पताल में नहीं जाएगा। कितना बज रहा है अभी? जो है ना इसी में से पाइपलाइन किया। उसका ढक्कन यही है किसी के पास। यहाँ अगर मरीज जाएगा वैक्सीन लेने के लिए तो कहाँ जाएगा? पीएचसी में जाएगा, यहाँ अनुमंडल अस्पताल में नहीं जाएगा। कितना बज रहा है अभी? होनी ना होला ये तो उस सब अच्छी ना है, थोड़ा जवाब दे ही ना हमारे का। एम्बुलेंस हम पटना में बात किए थे, लेकिन वही है कि कोविड वाला वेंटिलेटर नहीं करते हैं। डायलिसिस अभी नहीं चल रहा है यहाँ, यानी अभी जैसे डायलिसिस इधर पूरा दिन नहीं, कहाँ भेज रहे हैं? नहीं गैस का पीएम से था पब्लिक कर हमारा पर्याप्त में हम तक कार्बन डाइऑक्साइड इतना दे दो कि वो ऑक्सीजन एक काम करे लगता है। सरकार पूरी तरह से फेल्योर हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग तो हमको लगता है कि शिथिल है, पड़ा हुआ, ना तो ऑक्सीजन प्लांट कहीं काम कर रहा है और ना ही अस्पताल में उपयोगिता का जो सामान होना चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए वो है। यहाँ पे डॉक्टर की कमी है और नर्सिंग स्टाफ की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, वो सब की व्यवस्था होनी चाहिए। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था 7 अक्टूबर को, और आज तक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो गैस का सप्लाई नहीं कर पा रहा है। ये दुर्भाग्य है। करोड़ों रुपया लगा के कई ऐसे जगह पर ऑक्सीजन प्लांट हर एक अनुमंडल अस्पताल में बनाया गया था, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। ये दुर्भाग्य है। ना तो उसको चलाने के लिए कोई टेक्नीशियन है और ना ही कोई उसको ऑपरेट करने के लिए कोई मेंटेनेंस के लिए भी टेक्नीशियन आज आया है, ज्वाइन किया है। अभी पता चला कि ज्वाइन किया, कहाँ है? बुलाइए।